बाकी के न्यूज पे चलें उससे पहले लक्ष्मण के पास दिल्ली चला जाए भाई एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई है इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा कैसे दिया जाए टूल कैसे दिया जाए कि ग्लोबल लैंडस्केप में हम कॉम्पिटेटिव इनफ बन सकें उस पर खास तवज्जो दिया गया है लक्ष्मण लक्ष्मण ने पढ़ ली है कितनी पढ़, कितने बनने की रिपोर्ट थी लक्ष्मण ये नहीं ये तो करीब मुझे लगता है कि सत्तर पन्ने से ज्यादा की रिपोर्ट है ये और इस रिपोर्ट में पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भारत कैसे पावर हाउस बने इसकी रणनीति बताई गई है और एक लक्ष्य भी रखा गया है कि 2030 तक आपको 500 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट रखना चाहिए और उसमें तीन खास उपाय बताए गए हैं सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है पहली बात कि छिटपुट तरीके से अलग अलग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के बजाय बड़े पैमाने पर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो उसके लिए कम से कम दस क्लस्टर बनाइए उस क्लस्टर में बुनियादी सुविधाएँ रखिए क्योंकि कई सारे काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं उसमें पूंजी ज़्यादा लगती है तो वहाँ पर कैपिटल सपोर्ट दीजिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खास फोकस करिए दूसरा जो हिस्सा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो कहा गया है कि भारत में एक रॉ मेटेरियल पर इम्पोर्ट

ये क्यों एक दो दिन पहले बजट से आई है क्या बजट में ऐसा लग रहा है इस रिपोर्ट में और उसकी भूमिका बांधने के बाद बजट में कुछ एक्स्ट्रा थ्रस्ट इस वैसे थ्रस्ट देंगे ऐसा पता था पीएलआई स्कीम अगर आ रही थी कुछ एक्स्ट्रा थ्रस्ट देने की तैयारी हो सकती है ऐसा आप पिक कर रहे हो क्या लक्ष्मण देखिए दरअसल इस पूरे रिपोर्ट का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव यह है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब कि आप एप्पल का फोन ही देखिए स्क्रीन कहीं बनता है चार्जर कहीं बनता है उसके जो इंटरनल कंपोनेंट है वो कहीं और बनते हैं तो इस तरह की बजाय हम उस सबको एक साथ क्यों ना बनाया जाए भारत में ऐसा कुछ करने की कोशिश है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर यह जो रिपोर्ट आई है उसी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है तो उस बजट में आप ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की हिस्सेदारी अभी डेढ़ के आसपास है उसको ज़्यादा ज्यादा बढ़ाया जाए इसके लिए कई सारे रणनीति आपको निकलकर सामने आएगी मुझे लगता है कि उसके परिदृश्य में इसको देखा जाना चाहिए बिल्कुल लक्ष्मण थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए और रिपोर्ट की बारीकियां समझाने की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को टूल देने की हो सकती है तैयारी उस तरफ एटलीस्ट नीति आयोग ने रोड रख दिया है हर्षवर्धन बाकी की स्टॉक से न्यूज़ आप हेवल्स जेडर पर रहेगा आशीष कल हम बाजार बंद होते होते नंबर्स पढ़ भी रहे थे कॉन्फ्रेंस कॉल में हाईलाइट्स निकल कर आई हैं कि कूलिंग प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है क्योंकि अच्छा खासा समय देखने को मिला है यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि कुछ इम्पैक्ट क्यू वन इलेक्शन क्यू वन में आए इलेक्शन के चलते हालांकि केबल में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है वायर रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आया क्योंकि चैनल डी और कमोडिटी प्राइसेस का इंपैक्ट और ठीक इसी की हम चर्चा कर भी रहे थे

पहला ट्रांच इक्विटी शेयर्स का नोकिया सॉल्यूशंस और एरिक्सन इंडिया को 800 616 करोड़ का आ, हैंड आउट करता हुआ दिखाई देगा अलॉट करेगा राधव डॉक्टर रेड्डीज ने एक नॉन एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट टकेडा के साथ साइन की है वो लार्जली एक अल्सर की दवा की ट्रीटमेंट वाली ड्रग को मार्केट करेंगे जाइडस लाइफ यूएस एफ ने कंपनी की जो इंजेक्टेबल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है आ, उसको ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटिव का क्लासिफिकेशन दे दिया है आ, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे डिक्सन टेक को सीसीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया और छप्पन परसेंट स्टेक जो स्मार्टू में खरीदने वाले थे और जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 103 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगा है एनएचआई की तरफ से चलिए बजट बुरा